पापा, आप लोग भी ना ये गहने कपड़े के चक्कर में पड़े हैं। माँ, आज शाम को भाभी के पहले सिंधारे पर आप उन्हें झोला भर किताबें दे दो, खुश हो जाएगी। पता है पापा, आपको कविताएं कहानियां पढ़ना और लिखना दोनों बहुत पसंद है। देखा नहीं, दिन भर कविताएं कहानियां लिखती रहती है। इस दुकान से उस दुकान घूमते हुए पूनम ने अचानक से सुझाव दिया। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, राधिका कहानियां लिखती है? वो तो मोबाइल फ़ोन लिए बैठी रहती है। अरे माँ, उसी में तो लिखती है भाभी, और जब कभी मेरा या भैया का लैपटॉप मिल जाता है उसमें लिखने लगती है। उसका बड़ा स्क्रीन होता है ना, आराम रहता है। ये सब सुनकर ये भी मुस्कुरा दिए। वैसे बात तो सही कह रही है बिटिया, तुम्हारी चेन लॉकेट से ज़्यादा खुशी तो उसे किताबें देकर होगी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को भी साहित्य में बड़ी रुचि थी, मुझे याद है। कैसे छुप छुप कर किताबें पढ़ती थी, अनजाने में ही सही, लेकिन इनकी बातों से मेरा घाव तो हरे हो ही गए थे। कितना शौक था मुझे, तभी तो मायके से कितनी किताबें लाई थी ससुराल में। ये सब किसी को पसंद नहीं आया, धूल फांकती किताबें न जाने कब रद्दी वाले के ठेले पर पहुंच गई, पता ही नहीं चला। आज बहू की रुचि जानकर पांव अपने आप सामने वाली दुकान की ओर बढ़ गए। आज तुम्हारा पहला सिंधारा है राधिका, मैंने टीका लगाते हुए उसका मुंह मीठा कराया। हमारी ओर से यह सब तुम्हारे लिए, सारी मिठाई के साथ उस खास उपहार को देखकर उसकी आंखें फैल गई। माँ, लैपटॉप? राधिका डबडबाई आंखें लिए मेरे पैर छूते हुए बोली, मुझे बहुत ज़रूरत थी माँ इसकी, आपको इतने प्यारे उपहार के लिए थैंक्स कैसे कहूँ, बताइए। बहुत आसान है राधिका, मैं उसके गाल थपथपाते हुए बोली। किससे कहानियों में सब सास लोग बहुत बदनाम है, यह एक कहानी किसी सास की तारीफ करते हुए लिख देना, मुझे तुम्हारा थैंक्स मिल जाएगा। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।